आगरा, शस्त्र की दुकान में चोरी करने वाले चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। गैंग का सरगना पुलिस की पकड़ से फिलहाल दूर। पकड़े गए चोरों ने 3 पिस्टल और 3 रिवाल्वर करवाई बरामद। चेकिंग के दौरान पकड़े गए दोनों चोर। थाना एम गेट पुलिस ने किया दोनों चोरों को गिरफ्तार। थाना हरी पर्वत के घटिया आजम खां स्थित शस्त्र की दुकान से 3 चोरों ने की थी चोरी। 32 बोर की 6 पिस्टल, 3 रिवाल्वर, 2 एयर पिस्टल, रिवाल्वर के 117 कारतूस और 22 कारतूस 12 बोर के किए थे चोरी। फिलहाल चोरों का सरगना पुलिस की पहुंच से दूर है। सर हमारे जिस जगह हम रहते हैं उस जगह हमें भेज दिए थे वो। आज कल 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 परसों। अच्छा तुम वहाँ से चोरी करके कितने बजे निकले वहाँ से? सर 12:30 बजे तक कर दिया खेल। हाँ सर। फिर कहाँ गए, कहाँ में ले गए थे? लाद के जी साथ में सकता एक कैमरा डाल के प्लास्टिक। जैसा आप सबको पता है कि सामान्य निर्वाचन 2019 के संबंध में पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी चेकिंग अभियान के दौरान 2 संदिग्धों की जब चेकिंग की गई तो उनके पास से 6 टोटल असलहे बरामद हुए। और इन असलहों के बारे में जब गहनता से जब जानकारी की गई तो पता चला कि ये पिछले दिनों हरी पर्वत थाना क्षेत्र में जो गन हाउस में चोरी हुई थी उससे प्राप्त ये असलहे हैं। इसमें एक अभियुक्त अय्या उर्फ राहुल पुत्र राजू और नन्हा उर्फ विक्की, इन दो को गिरफ्तार किया गया। इन दो के पास से 6 असलहे बरामद हुए हैं। अभी इस संबंध में जो है पूछताछ पूरी विवेचना की जा रही है कि ये कहाँ से संबंध में आखिर इसको कहाँ पर ले जाने का विचार था। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि जो इन्होंने वहाँ से चोरी करके इसको अभी रखा था और आगे किसी प्रयोग करने की फिराक में। कितने लोग शामिल थे चोरी वाला? अभी हमने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, अभी हमारी विवेचना चल रही है तो विवेचना के पश्चात ही हम पूरा क्लियर कर पाएंगे कि ये सिर्फ कितने लोग थे, कहाँ तक इनका गैंग था और क्या इसमें आगे इनकी क्या योजना थी। 6 पिस्टल और 3 रिवॉल्वर थी, रिवॉल्वर का पता चला नहीं। अभी हमारे पास 6 असलहे बरामद है, अभी कुछ चीज़ें जो बरामद नहीं हुई उनके प्रयास जारी हैं। सीसीटीवी कैमरे में 3 लोग नजर आ रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ, अभी हमारा ये 2 अभी हमने इसमें अरेस्ट किए हैं, इनके पास से 6 जो असलहे हैं वो बरामद किए गए हैं। बाकी इसमें कौन कौन शामिल था विवेचना चल रही है।